मैनपुरी अगर बात करें, मैनपुरी अभी बस अभी इन्होंने अपना नामांकन भी भरा है, कल की बात है, कल या परसों की बात है, और वो उसमें ये भी बताया है कि कितने का मोबाइल फोन यूज करती हैं, ये भी कहा है कि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, लेकिन काफी सारी चीजों की शौकीन है, सारी चीजें उसमें डिटेल है, लेकिन एसपी 54% से ज्यादा, जो कि लग रहा है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, बीजेपी 32%, वोट तय नहीं है 7.18%। जी हाँ, लेकिन डिंपल यादव के बारे में शिव आप निकालें, डिंपल यादव की सीट पर क्या हो रहा है ये जानना बहुत दिलचस्प होगा, उसका आंकड़ा हम निकाल कर रखेंगे और वो बताएंगे कि डिंपल यादव की सीट पर क्या होगा। लेकिन शंभुनाथ जी, ये जो है अभी सीट, इसके बारे में हम बात करेंगे, डिंपल यादव की सीट पर क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है उसमें समाजवादी पार्टी को थोड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है गठबंधन की वजह से, क्या आपको लगता है कि वो जहां तक अभी है लिमिटेड वो रहेगा या और बढ़ेगा ये? देखिए, चूंकि डिंपल यादव मैनपुरी से लड़ रही हैं तो हो सकता है उसका असर थोड़ा बहुत आसपास की सीटों पर पड़े, आसपास की सीटों को पड़े। कन्नौज का फंसा हुआ, अभी कन्नौज का मामला क्या हो गया, अगर कन्नौज से अखिलेश जी खुद लड़ते हैं तो कन्नौज सीट सपा को जा सकती है, बगल में फिर इटावा है, इटावा में भी कुछ हो सकता है, इससे सपा का असर सेंट्रल यूपी में जब सपा का गढ़ रहा है वहाँ का एक ना कुछ फ़ायदा तो उनको मिलेगा ही। ईस्टर्न यूपी में भी सपा का दिखाई पड़ रही, खासतौर पे आजमगढ़ या गाजीपुर की सीटें, बदायूं सीट दिखाई पड़ रही है, और तो और कैराना सीट भी दिखाई पड़ रही कि शायद सपा के खाते में चली जाए। तो ऐसा नहीं कि सपा कोई कमज़ोर लड़ रही हो, सपा का एक कांग्रेस से गठबंधन है उसका लाभ उसे मिल सकता है। कांग्रेस आज की तारीख में यूपी में कहीं जीतती न दिखाई पड़ रही हो, यहाँ तक कि अमेठी और रायबरेली सीटें भी थोड़ी फंसी हुई हैं, तो उससे ये तो महसूस हो ही रहा है कि फायदा मिलेगा। जी, लेकिन क्या हो रहा है डिंपल यादव की सीट पर वो आइए बता देते हो। तो देखिए, ये है स्थिति डिंपल यादव की सीट पर, ये देखिए यहाँ पर कंफर्टेबल दिखाई दे रही है, यानी पूरी तरह से इसमें कोई अंतर भी नहीं है, रंग में भी कोई अंतर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वोट शेयर दिखा सकते हैं, यहाँ पे भाजपा का करीबन 40% मैक्सिमम जा रहा है। देखिए मैनपुरी में 47.84% है, और देखिए ये करहल की जो सीट है विधानसभा, यहाँ पर 9.96% है, किशानी की जो सीट है वहां पर 53.47%, और यहां देखिए जसवंत नगर पर बहुत बड़ा मार्जिन है। शिव बताएं यहां पर, यहां पे बीजेपी यहां पे 22.5% के करीब है, और बीएसपी जो वोट सिर्फ 5% पा रही है, वहां पे सपा 64.5% पे है, यानी बिल्कुल कंफर्टेबली बढ़त बनाए हुए हैं यहां पर डिंपल यादव जी। बिल्कुल, अब इसके बाद जो अगली सीट है वो है सबसे हाई प्रोफाइल सीट्स में से एक, इस देश के रक्षा मंत्री, बड़े ही सौम्य नेता लेकिन बड़ी ही स्पष्ट बात करने वाले राजनाथ सिंह जी, बीजेपी 63.15%, समाजवादी पार्टी 22%, जो तय नहीं है वो 11.19% है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। जी हाँ, और लखनऊ के बाद बात करते हैं अमेठी की, यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित है स्मृति ईरानी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सोचेंगे इसके बारे में कि यहाँ से लड़े या नहीं बीजेपी, लेकिन यहाँ पर बढ़त बनाए हुए 40.45%, कांग्रेस पार्टी पीछे दिखाई दे रही है 35.04%, वोट जो तय नहीं है वो 10.93%, लेकिन यहाँ से अभी भी कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, उसके नाम का ऐलान नहीं किया गया। हमारे पास एक बहुत बहुत खूबसूरत तस्वीर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, और वो तस्वीर है सूर्य तिलक की, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, अब इस पे क्या बताना, जरा ये देख ही लीजिए। आइए, बीजेपी वाराणसी 72%, कांग्रेस 15%, और वोट जो तय नहीं है 8.59%, लेकिन अब आज रामनवमी पर जब भगवान राम का सूर्य तिलक हो रहा था उस वक्त, ये देखिए अब आप प्रधानमंत्री मोदी भी इस क्षण के साक्षी बने। ये देखिए, असम के नलवाड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान अपने विशेष विमान में उन्होंने इस पल को देखा प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए जरा, और इस दौरान उन्होंने अपने जूते भी उतारे हुए थे। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं किस तरीके से अपने आईपैड पर प्रधानमंत्री मोदी, ये देखिए किस तरीके से ये देख रहे हैं, और ये तस्वीरें हैं, आपको याद होगा प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री मोदी वहां पर थे, और उसके बाद आज सूर्य तिलक, रामनवमी का मौका, 12 बजे जब प्रभु श्री राम का जन्म होता है कहा जाता है, और ये देखिए तस्वीरें।
लेकिन जब आप बात करें वाराणसी की सीट की, हमने बात की, बताया कि कैसे बीजेपी बहुत आगे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सीट है वहां पर, लेकिन क्या है उसके भीतर, यानी जो वाराणसी की सीट है उसके भीतर जो विधानसभाएं हैं वहां क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल कंफर्टेबल ये सीट है बीजेपी के लिए, बहुत गाढ़ा रंग है, बहुत गाढ़ी जीत भी होगी। और देखिए ये यहाँ पर जो वोट प्रतिशत है वो भी आप देखिए, जो तमाम विधानसभाएं, और देखिए हम बार बार आपको ये बताते हैं कि हमारा ओपिनियन पोल कैसे अंतर है इसका, क्योंकि आप अपनी विधानसभा में क्या हो रहा है वो भी जान सकते हैं। देखिए रोहानिया की जो विधानसभा है वहां पर 72.16% वोट मिल रहा है शिव, और इसी तरह से देखिए वाराणसी नॉर्थ में सारी, बिल्कुल बिल्कुल सबारी 60% से ज्यादा है, और कोई और पार्टी आसपास में नहीं है। 20% असेंबली में सबसे ज्यादा सेवापुरी में मिल रहे हैं एनसी को, बाकी और कोई पार्टी यहाँ पे ज्यादा वोट नहीं ले पा रही है। अनडिसाइडेड भी इतना नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट कुछ बदल पाए, अभी के हिसाब से यही है। बट हम ये सेफली इस सीट पे कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए ही हैं।